वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि पता होगा आप लोग का यहाँ पे जो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, 5-6 दिन के बाद आपका यहाँ पे एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। अब ये लास्ट जो टाइम चल रहा है ना, इसमें आपको बिल्कुल केवल और केवल यहाँ पे रिविज़न पर ध्यान देने हैं और सारा कुछ छोड़ देना है। आपने क्या पढ़ा, क्या छूटा, उसको छोड़ करके जो भी पढ़े हैं ना, बस उसको आपको रिविज़न पर ध्यान देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इसी बातें करेंगे कि जो भी आपका यहाँ पे मैथ का जो परीक्षा होने वाला है आप लोग का, खास करके ये TGT मैथ और 6 to 8 के मैथ के लिए काम आएंगे ये वीडियो। उसमें जो भी मैथ के जो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, जो इंपोर्टेंट्स ना, उसको आपको देखना बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि मैथ का जो चीज़ें होती हैं केवल फॉर्मूला बेस सवाल दे देता है वहाँ पे, और फॉर्मूला का याद ना होने की वजह से वहाँ पे जो है सवाल छूट जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं उसी को रिविजन कराने का यहाँ पर कोशिश करूँगा। अगर कि आप देखिएगा तो इसमें मैं आप इस वीडियो में जो कवर किया हूँ वो आपका त्रिभुज हो गए, ठीक है। उसके बाद जो हो गया चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, समानांतर चतुर्भुज, वर्ग, सम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, बहुभुज, घनाभ, घन, वृत्त हो गया, समबेलन हो गए, शंकु हो गया, गोला हो गया, पिरामिड और प्रिज्म वगैरह हो गया। ये सारा टॉपिक्स मैंने इसमें कवर किए हैं और एक एक करके देखते हैं कि क्या कुछ आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हो गए हैं इस टॉपिक से, और उस टॉपिक से यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, और इसको देखने के बाद ना आपको एक शॉर्ट में रिविज़न हो जाएंगे कि जो भी फॉर्मूला होते हैं आप भूल नहीं पाइएगा। सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं ट्रायंगल के ऊपर में कि देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर ट्रायंगल्स में आते हैं। ट्रायंगल्स के परिमाप वगैरह तो पता होगा, तीनों भुजाओं का योग होता है, जो अर्ध परिमाप होता है ना, तीनों भुजाओं का योग होता है और उसमें 2 से भाग देते हैं तो वो अर्ध परिमाप होता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका जो भी मैं PDF है PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो जाकर वहां से डाउनलोड करके आप लोग इस सारा चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज में आइएगा, अगर के यहां पर अंतःवृत्त की जब त्रिज्या दिया रहता है किसी त्रिभुज में, तो उसका क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होते हैं, 1/2 अंतःवृत्त की त्रिज्या और तीनों भुजाओं का योग अगर कर देते हैं तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। ये सब पर सवाल बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आता है त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालना हो, और अगर के त्रिभुज का कोई एक थीटा का एंगल दिया गया हो, तो वहाँ पर उसका जो फॉर्मूला होता है, जिसका एंगल दिया गया हो उसको छोड़कर बाकी जो 2 साइड्स हैं उसको यहाँ पर हम गुना देते हैं इनटू साइन थीटा 1/2। याद रखिए 1/2 बी इनटू सी साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो यहां पे मैंने राउंड किए हुए हैं, ये जो यहां पे देखिएगा, ये मैं आयत का शेप जो दिया हुआ, ये सब जो फॉर्मूलाज है ना, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज में जैसे ही आते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज आपको पता होगा जिसके 2 यहां पर जो साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं और जो इसके बीच का हाइट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है b/4 4a² - b² होता है, ठीक है। b/4 √_4a² - b², ये बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है, मतलब ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिसमें जो a होता है, आप लोग याद रखिएगा, a जो होता है a एक समान भुजा होता है, यानी कि इक्वल भुजा को a से डिनोट किया गया, और जो b होता है वो असमान भुजा होता है, ठीक है। इस पे सवाल पूछा जाता है, और नहीं अगर के याद रहिएगा तो इसको निकालने में हालत ख़राब हो जाएगा अगर के आपको हाइट पता नहीं हो तो, इसीलिए इसको याद होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग याद रखिएगा, एक तो जो मतलब जो त्रिभुज का फॉर्मूलाज होते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये तो बेसिक्स फॉर्मूला है, ये सारा चीज़ में लागू होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में भी अगर के यहाँ पर दिया रहेगा बेस ना और हाइट दिया रहेगा तो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन जो मेन फॉर्मूला जो होते हैं आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज का, इसको अच्छे से यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला मतलब यहाँ पे फॉर्मूला की तरफ, जो इसका शीर्षलंब होते हैं, शीर्षलंब बराबर क्या होते हैं, रूट अंडर में अगर देखिएगा तो 4a² - b² / 2 हम कर देते हैं, तो ये इसका समद्विबाहु त्रिभुज के हाइट होता है, ठीक है। बस यही 2 चीज़ जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला जैसे ही आइएगा तो अगला यहाँ पर जो स्टार्ट होगा समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वही त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, कर्ण निकालने तो सबको पता होगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद समद्विबाहु, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज ना सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है वो समबाहु त्रिभुज है, इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जब योग कर देते हैं तो वो उसका परिमाप होता है, और सबसे देखिए यहाँ से स्टार्ट, मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। समबाहु जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अगर कि उसको हम √3/4 कर देते हैं और भुजा का स्क्वायर कर देते हैं तो वो समबाहु त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाता है। साथ ही साथ अगर के आपसे पूछा जाए समबाहु
त्रिभुज का जो ऊंचाई का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसको अगर हम कर देते हैं रूट थ्री बाई टू इंटू भुजा केवल कर देते हैं, तो ये जो होता है यहाँ पे ऊंचाई हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और अगर के यहाँ पे तीनों भुजाओं पर जब डाला गया लंब दिया गया हो, तो उसको निकालने का क्या फॉर्मूला होते हैं, कभी कभी सवाल डायरेक्ट आपसे पूछ ले जाता है, तो याद रखिएगा उसका जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2/√3। इसका और भी मतलब मेथड होते हैं निकालने के, लेकिन ये आपको जानना चाहिए, ये ज़रूरी है, कम समय में ये सब आप जल्दी से वहाँ पर सोल्व कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से जो स्टार्ट होता है यहाँ पे चतुर्भुज स्टार्ट होता है, ठीक है। लास्ट में हम एलजेब्रा का भी देखेंगे कि क्या कुछ वहाँ पे चीज़ें दिया गए हैं एलजेब्रा में, ठीक है। चतुर्भुज के जो परिमाप होते हैं चारों भुजाओं का योग हो जाएगा, वो परिमाप हो जाएगा आपका। और अगर के यहाँ पर क्षेत्रफल देखते हैं, तो क्षेत्रफल अगर ये चतुर्भुज आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर इसमें दो ट्राइंगल बन रहे होंगे, ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे, तो ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुजों का यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं, तो वो यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाता है चतुर्भुज का, ठीक है। तो यही चीज़ मेन बेसिक्स इसके होते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो वही दिया 1/2 आधार और दोनों का यहाँ पे ऊंचाई करके जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे में हम आपको एक एक करके बताते हैं। आयत जो होता है, आयत का सब लोग जानते हैं, जो क्षेत्रफल होता है लंबाई चौड़ाई होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आयत के जो एंगल्स बनते हैं 90° के एंगल्स बनते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल आता है, अगला मतलब यहाँ पे पॉइंट जो दिया गया है इसमें, वो समानांतर चतुर्भुज के बारे में दिया गया है। समानांतर चतुर्भुज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। समानांतर चतुर्भुज के जो क्षेत्रफल होते हैं ना, आधार गुने ऊंचाई। अगर के हाइट दिया गया हो, अगर के ये आधार दिया गया हो, तो यहाँ पर अगर के हम बी गुने एच कर देते हैं, तो ये समानांतर चतुर्भुज के यहाँ पर क्या हो जाता है, क्षेत्रफल निकल जाता हो। तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है यहाँ पे, वो वर्ग के बारे में दिया गया है। वर्ग का आप लोग का क्षेत्रफल तो पता होगा, भुजा स्क्वायर होता है। और वर्ग का अगर के यहाँ पे विकर्ण देखिएगा, तो विकर्ण यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है। रूट टू इंटू क्या करते हैं, भुजा करते हैं। अगर के रूट टू में भुजा से गुना कर देते हैं, तो वो हो जाता है यहाँ पे विकर्ण। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला यहाँ पे अगर देखिएगा, तो ये आता है क्या, समचतुर्भुज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चतुर्भुज से इसे सवाल बनता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। समचतुर्भुज में अगर के आइएगा, तो यहाँ पे दो विकर्ण दिए होते हैं, जिसका नाम है पहले का D1 और दूसरा जो विकर्ण दिया गया है उसको D2 बोलते हैं। तो समचतुर्भुज में अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 1/2 और पहला विकर्ण यानी कि D1 गुना में D2 कर देते हैं, तो यहाँ पर निकल जाता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, और एग्जाम से जाने से पहले इसको जरूर रट्टा मार जाइएगा, जो कि आपका सवाल पूछा जाएगा इससे, ठीक है। अब यहां पे आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज से मैं अभी देख रहा था कुछ देर पहले, तो वहां पे TRE1 में एक सवाल पूछा गया था, कि एक दिया गया था और उसके क्या दिया गया था ना, कि दोनों विकर्ण आपस में D1 अनुपात, जो मतलब जो आपस में विकर्ण, जो दो विकर्ण थे आपस में 1:2 के अनुपात में वहाँ पे काट रहे थे। तो याद रखिएगा, जो ऐसे होते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे समलंब चतुर्भुज दे दिया, अगर के ये दो विकर्ण हैं आपस में यहाँ पे 1:2 में काट रहे हैं, तो ये समलंब चतुर्भुज होता है। ये सवाल पूछा गया है आपका, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 होता है, गुने में ऊंचाई होता है, और जो भी समानांतर भुजाएं होते हैं उसके योग यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज में ये जो डी आपको नज़र आ रहा होगा, सी और डी, और यहाँ पे अगर के आपको नज़र आ रहा होगा पी ए और बी, अगर के इसको हम योग कर देते हैं, तो यहाँ पे ये सी और डी और ए और बी का ये हो जाता है आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब एक बार आप लोग एग्जाम से जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुभुज का अगर के देखिएगा, बहुभुज से सवाल पूछे जाते हैं। समबाहु त्रिभुज देखिए, समबाहु त्रिभुज जैसे मैंने बताया ना, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज में वहाँ पे षष्ठभुज दे या 12 भुज दे या 10 भुज दे, कुछ भी दे, तो उसमें बस उतना से यहाँ पे गुना कर देना है। अगर के यहाँ पर जैसे देखिएगा, यहाँ पर सम षष्ठभुज के बारे में बोल रहे हैं, षष्ठभुज मतलब 6, तो उसमें जो भी चीज़ें होती हैं ना, अगर के मान चलिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, अगर कि में हम 6 से गुना कर देंगे, तो ये सम षष्ठभुज का क्षेत्रफल हो जाता है, और कुछ भी नहीं करना है, आप लोग याद रखिएगा। और ये जो अभी अगला पॉइंट ये जो है यहाँ पे 4, 5 और 6, ये भी आई है, ये तो रट्टा होना चाहिए, इससे सवाल पूछेगा, पूछेगा ही मतलब पूछेगा, याद रखिएगा। बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, n-2 × 180, क्या होता है, 2 बार 3 बार बोलिए हमारे साथ में, अंत सम यहाँ पे बहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 × 180, फिर से एक बार बोलिए क्या होता है,
बहुभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है n-2 गुना में 180 होता है, और पूछ देगा यहाँ पे बहुभुज के अंतःकोणों का प्रत्येक अंतःकोण कितने के डिग्री के होते हैं, तो उसमें n से केवल हम भाग दे देते हैं। आप लोग ये दोनों चीज अच्छे से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रत्येक अंतःकोणों का माप क्या होता है, तो वो होता है n-2 बटा में एन गुना में 180। ये चीज़ें याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाएगा। और बहुभुज के जो बाह्य कोणों का योग होता है ना, वो 360 डिग्री होता है, वो चाहे कोई सा भी बहुभुज हो वहाँ पे, ठीक है। और प्रत्येक बहिष्कोण का माप जो होगा वो आपका हो जाएगा कितना, 360 डिग्री बटा में एन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सवाल पूछा जाता है विकर्ण के बारे में कि आखिर इसका विकर्ण क्या होता है, तो याद रखिएगा बहुभुज का जो विकर्ण होता है n(n-3) बटा में 2, ये जो होता है वो विकर्ण होता है, आप लोग भूलिएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुभुज से मैंने क्या बताया, जो अंतःकोणों का मैंने बताया n-2 गुना में 180 बटा में n, बहुभुज के अंतःकोणों का प्रत्येक कोण, बाह्य कोण जो मैंने बताया यहाँ पर 360 बटा में n कर दिए, और जो अभी मैंने ये बताया n(n-3)/2 विकर्ण निकालने का, ये जो तीनों फॉर्मूला है ना आपको रटा रटाया होना चाहिए, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है अगला क्या है, घन। घन का करके देखिएगा, घन में जो होते हैं शीर्ष 8 होते हैं, सतह 6 होते हैं, और जो भुजा होते हैं 12 होते हैं, आप लोग अच्छे से इसको पता होगा, ठीक है। घन का अगर कुल क्षेत्रफल हम देखते हैं तो अगर के 6 × में हम अगर भुजा का स्क्वायर कर देते हैं तो घन का ये क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है। और वक्र क्षेत्रफल निकालना हो, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ नहीं करना है, 6 के जगह पर 4a² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और घन का जो यहाँ पे आयतन होता है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा के क्यूब कर देते हैं तो ये घन का आयतन निकल जाता है। और जो घन का विकर्ण होता है, आप लोग याद रखिएगा, ये घन का विकर्ण क्या होता है, √3 × भुजा होता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे ये देखिए, ये बहुत लोग क्या होता है ना, सब कुछ याद रहेगा लेकिन यहाँ पे विकर्ण वाला भूल जाते हैं, और सवाल इसी में से पूछ देगा, तो वहाँ पे आप लोगों को पता नहीं चलेगा क्या करना है नहीं करना है, तो इसको याद रखिएगा, जो घन का विकर्ण होता है √3 × भुजा होता है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर चलते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये सब उसका डेरिवेटिव से इधर उधर करके निकाला गया है, तो उसको कोई देखने का जरूरत नहीं है। बाकी इसका मैं अपना जो PDF से मैं बोला ना टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप लोग अच्छे से वहाँ पे देख लीजिएगा। अरे घनाभ में देखिएगा, घनाभ में जो यहाँ पे शीर्ष होते हैं 8 शीर्ष होते हैं, सतह 6 होते हैं, और जो भुजा होते हैं वो 12 होते हैं, आप लोग को ये पता होना चाहिए, ठीक है। घनाभ का जो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका क्या होता है, 2 × में LB+BH+HL, ये होता है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वही होता है 2 × L+B और गुना में H, इसका घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, या इसी को यहाँ पे चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोला जाता है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये सब सवाल पूछा जाता है, आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद घनाभ का जो यहाँ पे है आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देंगे तो वो आयतन हो जाता है, और जो विकर्ण होता है L² + B² + H² है, तो ये हो जाता है। देखिए यहाँ पे विकर्ण से एक बहुत ही फेमस सवाल पूछा जाता है कि एक कमरे में एक रॉड को रखना है, और जो कमरे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया जाता है, और पूछा जाता है कि उस कमरे में सबसे बड़ी कौन सा रॉड रखा जा सकता है, उसका लंबाई क्या होता है, तो कोई भी चीज़ कमरा हो उस पर तिरछा तिरछी रखेंगे हम तो सबसे लंबा चीज़ वहाँ पे आएगा, यानी कि उसका हमको विकर्ण निकालना रहता है, तो यही घनाभ का विकर्ण पर उस सवाल को हम बना सकते हैं, आप लोगों को पता होगा ये चीज़, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं वृत्त से क्या कुछ यहाँ पर सवाल पूछा जाता है। वृत्त का परिधि 2πr होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है πr² हो जाता है, ठीक है। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है बस πr² के आधा कर देते हैं तो वो हो जाएगा अर्धवृत्त हो जाएगा। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, πr होता है प्लस में 2r होता है, आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो जो वलय का क्षेत्रफल होता है πr² - r², ये वलय का क्षेत्रफल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से दो चीज़ और याद रखिएगा, वृत्त में यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन बता देता हूँ, एक पूछता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या करना है, त्रिज्याखंड का πr² θ, πr² θ बटा में
360 ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल में पूछता है तो पाई और थीटा बटा में 180 आप लोग ये दोनों चीज़ों के आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़। अगला यहाँ पे आइएगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है चाप की लंबाई क्या होता है, तो पाई आर थीटा बटा में 180 जैसे कि मैंने ऊपर में बताया चाप की लंबाई। तो ये आप लोग याद रखिएगा, चाप की लंबाई जो होता है ना उसको अगर के हम यहाँ पे जो उसका परिधि होता है टू पाई आर थीटा बटा में अगर के 360 कर देते हैं और थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया रहता है तो ये कट जाता है 180, तो यही पाई आर थीटा यहाँ पे आप लोग का हो जाता है चाप की लंबाई, आप लोग को पता होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना होता है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जैसे कि मैंने बताया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 यहाँ पे क्षेत्रफल होता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, सवाल हो सकता है पूछ दे आपको। बाकी वृत्त खंड का क्षेत्रफल कुछ भी नहीं है जैसे कि मैंने अभी बताया, और जब यहाँ पर थीटा दिया गया हो तो उसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 ए बी बाई साइन थीटा यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है। ए बी मतलब यहाँ पे आर आर दोनों के बराबर है तो आर आर को कॉमन ले लिया गया है, और बाकी यहाँ पे जो इसका टोटल का क्षेत्रफल है यानी कि त्रिज्या खंड या वृत्त खंड जो ये क्षेत्रफल दिया गया उसमें से अगर इसमें से हम इसको एरिया को घटा देते हैं तो इसको हमारा एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बाकी कभी मैथ मैं पढ़ाऊँगा तो बहुत बेहतरीन तरीका से बताऊँगा आपको, बस ये तो रिविजन है फार्मूलाज वगैरह का, बाकी ये सब कुछ भी नहीं है जो आप नॉर्मल फार्मूला लगा कर वहाँ पर चीज़ें निकालते हैं। यहाँ पर 1/4 है यानी कि एक वृत्त बना रहा है उसको करने के बाद यहाँ पे घटा देते हैं, तो ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कितना चीज़ आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेंडर के बारे में देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। बेलन का जो है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है 2πRr+h होता है, आप लोग याद रखिएगा। बेलन का जो आयतन होता है πr²h यहाँ पे आयतन होता है, ठीक है। और के खोखला बेलन दिया गया है तो उसका यहाँ पे आयतन क्या होगा तो πr, जिसे मैंने बताया ना पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो वहाँ पे खोखला में दो चीज़ दिया रहेगा तो पाई यहाँ पे कर देंगे r²-r² करके यहाँ पे एच कर देते हैं तो ये हो जाएगा। इससे याद रखिएगा आप लोग अगर TGT मैथ का परीक्षा देने जा रहे होंगे या 6 से 8 मैथ साइंस मैथ से देने आज जा रहे होंगे ना, तो इसमें से भर भर के सवाल पूछते हैं मेंसुरेशन से, आप लोग याद रखिएगा ये चीज़ों को, ठीक है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर है चीज़ वो जो शंकु है, शंकु से याद रखिएगा सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं। शंकु में जो तीन चीज़ें होते हैं, एक हाइट होता है, एक त्रिज्या होते हैं, एक तिर्यक ऊंचाई होता है। तो तिर्यक ऊंचाई आपको पता होगा रूट अंडर में अगर के हाइट का स्क्वायर प्लस में वहां पे त्रिज्या का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या निकल जाता है तो वो निकल जाता है आपका एल निकल जाता है, ये चीज़ जानते होंगे, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो वो होता है पाई आर एल। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर एल प्लस आर होता है, और शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये तीनों का तीनों जो चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यही चीजें हैं आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहां पे कभी कभी छिन्नक का आयतन पूछ देता है या बाल्टी का आयतन पूछ देता है तो उसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। जो शंकु का यहाँ पे मैंने बताया आयतन जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो उसको अगर के आर स्क्वायर को मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, मतलब 1/3 पाई एच कर कॉमन ले लेता हूँ, और उसके बाद जो करना है छिन्नक वाला में आर स्क्वायर प्लस जो भी दो त्रिज्या दिए रहेंगे दोनों को स्क्वायर करके और दोनों को गुणा करके यहाँ पर तीनों को जोड़ देंगे, आप लोग देख सकते हैं, तो 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर आर हो जाएगा ये छिन्नक का आयतन, ठीक है। और छिन्नक का यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिएगा तो पाई आर एल जैसे होता है शंकु का, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको पाई एल आर प्लस आर अगर कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं है, उतना चीज़ सब उसी का डेरिवेटिव से ऊपर नीचे करके निकाला गया है, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका गोला, गोला के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए क्या कुछ यहाँ पर दिया गया है। गोला में जैसे आएंगे तो पूछेगा आपसे गोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो 4πr² होता है, आप लोग याद रखिएगा। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। और उसके बाद अर्धगोला का सवाल तो भर भर के पूछा जाता है, अर्धगोला का सबसे पहले देख लेते हैं आयतन क्या होता है। जो पूर्ण गोला का आयतन होता है 4/3 होता है, लेकिन अर्धगोला का यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यू होता है। इसके बाद यहाँ पर जो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr² होता है, जबकि जो गोला का मैंने बताया वो 4πr² मैंने बताया, तो ये चीज़ों आप लोग दोनों कंपेयर करके याद रखिएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या 2πr² होता है आप लोग याद रखिएगा, और जबकि गोला का वक्र जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3πr² होता है, ये दोनों चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं, ठीक है।
बस इतना ही चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं, बाकी जो छिलका वगैरह दिया रहेगा तो दोनों के हम त्रिज्याओं का क्यूब करके घटा देते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे निकल कर सामने आ जाती है। ठीक है, अगला आता है पिरामिड और प्रिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुपके से एक दो सवाल दे देगा और हवा हवाई हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो यहाँ पे पिरामिड का जो क्षेत्रफल होता है ना दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, पिरामिड का जो क्षेत्रफल होता है आधार का क्षेत्रफल, यानी कि आधार कभी आपको वर्गाकार होगा कभी आयताकार होगा, तो आधार का क्षेत्रफल होता है और उसके बाद सभी त्रिभुजाकार पृष्ठ के क्षेत्रफलों का योग होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है, पिरामिड का क्षेत्रफल। और पिरामिड का आयतन से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। देखिए नॉर्मली जो सवाल पिरामिड से देगा ना वो आपको आयतन ही निकालने के लिए देगा, तो आयतन का जो फॉर्मूला होते हैं आप लोग याद रखिएगा, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। 1/3 आप भूलिएगा नहीं, बहुत लोग क्या करता है ना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई याद रखता है अब 1/3 यहाँ पे भूल जाता है, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। याद रखिएगा पिरामिड का जो क्षेत्रफल होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई होता है। ठीक है, और जो यहाँ प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जैसे मैंने ऊपर में बताया पिरामिड का जो क्षेत्रफल होता है आधार का क्षेत्रफल प्लस सभी त्रिभुजाकार पृष्ठ का क्षेत्रफलों का योग, यानी कि कितना वहाँ पे दिया गया है पृष्ठ है उसके हिसाब से वहाँ पे निकालते हैं हम। ठीक है, और प्रिज का यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आधार का जो क्षेत्रफल होता है उसके बाद ऊपरी सतह का क्षेत्रफल और सभी पार्श्व सतहों का कुल क्षेत्रफल जो होता है, तो ये सब चीज़ें अगर कि आपने प्रैक्टिस किए होंगे तो ये सब चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये चीज़। ठीक है, प्रिज्म का जो आयतन होता है, प्रिज्म का आयतन क्या होता है आधार का क्षेत्रफल प्लस में ऊँचाई अगर कर देते हैं तो प्रिज्म का ये आयतन हो जाता है। मैंने वहाँ पर पिरामिड का आयतन बताया, क्या बताया कि 1/3 अगर कर देते हैं और आधार का क्षेत्रफल कर देते हैं एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, और अगर के यहाँ पे हाइट कर देते हैं तो ये चीज़ें आ जाते हैं, क्या चीज़ आ जाते हैं पिरामिड का यहाँ पे आ जाता है आयतन। अगर केवल आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर प्लस में ऊंचाई कर देंगे ये चीज़ें तो ये हो जाएगा प्रिज्म का आयतन। याद रखिएगा वो पिरामिड है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नहीं तो भूल जाइएगा आप लोग इधर उधर करके, ये पिरामिड हो गया और ये प्रिज्म हो गया, ये दोनों चीज़ अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, उसके बाद एक बार और मैं यहाँ पे शॉर्ट में आप लोगों को रिवीजन करा देना, ये सब चीज़ें तो मैंने बता ही दी लेकिन फिर से आपको एक बार होना चाहिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², घन का आयतन aq होता है और घन की एक भुजा की लंबाई क्या होता है तो वही अगर के यहाँ पे a√3 है तो उसमें हम भाग कर देंगे तो वो चीज़ें हो जाएंगे, तो आप लोग घन का विकर्ण आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से घनाभ याद रखिएगा, घनाभ का आयतन क्या होता है lbh होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल के बराबर होता है 2l+b गुना में h हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 lb + bh + hl यहाँ पे हो जाता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का जो विकर्ण होता है 2 l² + b² + h² आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा कि चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल मैंने बताया 2 lb + bh + hl हो जाएगा। और यहाँ पे ढक्कन रहित, यानी कि कभी कभी पूछ देता है ना टंकी में ढक्कन को छोड़कर उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो उसका जो आप लोग याद रखें जो क्षेत्रफल होता है तो 2hl+b प्लस में यहाँ पे lb को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ बेलन आप लोग याद रखिएगा, बेलन में क्या याद रखना है बस जो ओवरव्यू है उसको याद रखिएगा। बेलन का जो आयतन होता है π r² होता है, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2π r होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का जो होता है 2π r h + r होता है। बस आप लोग इतना चीज़ें याद रखिएगा, बाकी जो ये सब चीज़ें मैंने ऐड की हैं वही सब चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर आप लोग को बता दी हैं। ट्राइंगल में क्या होता है उसका हमें sin θ क्या होता है, हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, सर्किल वगैरह यहाँ पर तो इसको भी हम दे दिए हैं, ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने ऊपर में आप लोगों को यहाँ पे बता दी हैं तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा एलजेब्रा में यहाँ पे सवाल पूछा जाता है इसी सब चीज़ से पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये चीज़ जानना जरूरी हो। a+b के होल क्यूब क्या होते हैं a³ + bq + 3ab × a+b, a-b के होल क्यूब क्या होता है a³ - bq - 3ab a-b होता है, a³ - bq बराबर क्या होता है a-b a² + b² प्लस में भी होता है। याद रखिएगा aq अगर के -bq के फॉर्मूला पूछ रहा है तो स्टार्टिंग में माइनस होता है लेकिन उसके बाद में यहाँ पे जो होता है वो पॉजिटिव होता है, आप लोग याद रखिएगा। जबकि यहाँ पे अगर के होल क्यूब में देखिएगा तो प्लस है तो चारों तरफ यहाँ पे प्लस ही प्लस आएंगे, माइनस का देखिएगा तो सब तरफ यहाँ पर माइनस माइनस आएंगे, लेकिन अगर के पार्टिकुलर वाला में आप लोग देखिएगा यहाँ पर
नज़र आ रहा होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग में माइनस बी होता है लेकिन आगे में प्लस में होता है, जस्ट सेम है उसका उल्टा यहाँ पे होता है ए क्यू प्लस बी क्यू में। यहाँ पे तो लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है ना स्टार्टिंग में ए प्लस बी होता है और आगे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में भी होता है। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ प्लस देकर आप चारों तरफ यहाँ पे प्लस प्लस मत दे दीजिएगा तो वहाँ पर आप लोग गलती कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे अगर किसी कोई चीज़ भी एलजेब्रा के फॉर्मूला में तो वो ये वाला फॉर्मूला है एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू प्लस में जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दे देता है वहाँ पे, या तो इसी का वैल्यू दे देता है और यहाँ से किसी में से आपसे सवाल पूछ लेता है किसी तरीका से। तो वहाँ पे याद रखिएगा सबसे ज़्यादा ये जो चीज़ें जरूरी है इस फॉर्मूला के लिए, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड का जो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इतना हो गया और यहाँ से माइनस में सारा चीज़ होता है, माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा, ये सवाल बार बार यहाँ पे आता है पूछा जाता है। और एक बहुत ही बेहतरीन ये भी फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यू क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस थ्री ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये सारा चीज़ आपको रटा रटाया होना चाहिए अगर कि आप लोग एग्ज़ाम यहाँ पे देने जा रहे हैं 19 तारीख के एग्ज़ाम में आप लोग बैठ रहे हैं, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, ज़्यादा घबराने का यहाँ पे ज़रूरत है नहीं क्योंकि आप लोगों ने आई होप कि बहुत बढ़िया से तैयारी किए होंगे, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। आई विश कि सबका सिलेक्शन होना चाहिए जो भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथ में, तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, नौकरी हो जाएगा यार, ज़्यादा यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बाय।